हेलो स्टूडेंट्स आज हम हमारे सेक्शन थ्री की पोयम द क्वारल पढ़ेंगे इट इज़ कॉमन इट इज कॉमन फॉर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स टू क्वारल थ्रू ऑल दो समटाइम्स दे मे नॉट इवन बी एबल टू टेल वाई दे क्वारल हाउ डू यू एंड हाउ लॉन्ग डू सच क्वारल्स लास्ट हाउ डू यू एंड Uh, जो हमारी सेक्शन uh, थ्री की पोयम है क्वारल मतलब कि झगड़ा इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे ये पोयम है जो इस पोयम को लिखा है एल्नॉर फर्जन ने और वो बता रहे हैं कि ये कॉमन बात है कि भाई बहनों में झगड़ा होता है और बहुत बार ये भी नहीं पता पढ़ पाता है कि वो झगड़ा किस लिए हुआ है और लास्ट में झगड़े का क्या होता है और हम इसको कैसे ख़त्म कर पाते हैं ये हमें कुछ भी समझ में नहीं आता है तो नाउ आई रिसाइड द पोएम आई क्वरल्ड विद माई ब्रदर आई डोंट नो वाट अबाउट वन थिंग लेट टू अनादर एंड सम हाउ वी फेल आउट द स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइट द एंड ऑफ इट वॉज स्ट्रोंग यहाँ पर जो आई है आई से मतलब होता है पोइट पोइट अपने आप को यहाँ पर आई से रिफ़र कर रहे हैं और वो बोलते हैं कि उनका किसी बात पर उनके भाई से झगड़ा हो गया पोइट को याद नहीं है कि वह क्या बात थी मतलब उनको बिल्कुल ध्यान में नहीं है कि किस बात पर उनका अपने भाई से झगड़ा हुआ था एक बात से दूसरी बात निकलती गई और दोनों को लगता था कि उनकी बात सही है उन दोनों का झगड़ा इतना बढ़ गया कि एक बात में से दूसरी बात निकलती गई और वो लोग झगड़ते गए और उनका जो मतलब दोनों को ऐसा लगता था कि दोनों की बात सही है वह झगड़ा छोटी सी बात से शुरू हुआ था और अंत में बढ़ गया मतलब यहाँ पर पोइट क्या बता रहे हैं कि एक छोटी सी बात से उनका झगड़ा शुरू हुआ था लेकिन बाद में वो बहुत स्ट्रांग हो गया मतलब वो बहुत बढ़ गया ही सैड इट वॉज राइट आई न्यू ही वॉज रॉन्ग वी हेटेड वन अनादर द आफ्टरनून टर्न ब्लैक तो यहाँ पर वो जो पोइट हैं वो बता रहे हैं पोइट ने कहा कि उन्हें लगता था कि वह सही है और उन्हें पता है कि उनका जो भाई है वह गलत है मतलब पोइट ने कहा वह सही है मुझे पता है वह गलत है वह मतलब उनका भाई जो है वह गलत है दोनों को आपस में एक दूसरे से घृणा हो गई हेट हो गया दोनों हेट, हेटेड वन एन अदर मतलब वो दोनों आपस में एक दूसरे से नफ़रत करने लगे और उसके बाद जो दिन का समय था जो आफ्टरनून का समय था वह बहुत ही तनाव और दुख भरा था डैंड सडनली माई ब्रदर थम्ब मी ऑन द बैक एंड सेड ओ कम अलॉन्ग वी कॉन्ट गो ऑन ऑल नाइट और तभी अचानक से पोएट जो है उनको ऐसा लगता है कि उनके भाई ने उनकी पीठ थपथपाई वे बोले कि वे इस तरह अधिक समय नहीं रह पाएंगे इस तरह से रात गुजारना कठिन हो जाएगा और फिर उनके जो भाई ने है वो ऐसा बोला कि हम मतलब जो है इस तरह से नहीं रह पाएंगे और रात गुजारना बहुत कठिन हो जाएगा मैं ही गलत था ऐसा जब उन्होंने बोला आई वॉज़ इन द रोंग सो ही वॉज़ इन द राइट तो जो पोएट हैं तभी पोएट को लगा कि उसका भाई सही था और गलती उनकी ही थी तो स्टूडेंट्स आई थिंक आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी थैंक यू